नमस्ते मेरे YouTube फैमिली तो आप लोग कैसे हैं तो आज बस ऐसे ही एक ब्लॉग बनाने का मूड किया तो बनाने आ गए वैसे तो मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का तो सोचा कि एक ब्लॉग बना लेते हैं एक टॉपिक टौक, पे लड़की होना गुनाह है तो गाइस ये बात तो सच है कि लड़की होना गुनाह ही है जब से एक तरह से देखा जाए तो लड़कियों का जब जन्म होता है तभी से ही उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है पहली बात अगर लड़की घर में किसी के पैदा हो गई तो भाई लड़की हुई है खानदान का नाम रखेगी कि नहीं रखेगी जो भी हो बहुत कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, ऐसे ऐसे छोट ऐसे ही बड़े बड़े होते होते फिर उसके बाद अगर उस लड़की को मन करे कि हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिले हम कहीं आ जाए मतलब आए जाए घूमे मतलब तो ऐसे ही कुछ भी तो उसको फ्रीडम नहीं मिलता है कहते हैं कि ससुराल जाना तो तुमको अपना जो करना है अपना करना उससे पहले तुम लोग को तुमको कोई परमिशन नहीं दिया जाएगा कि तुम अपने मन से घूम सकती हो या कहीं जा सकती हो या कुछ पहन सकती हो जो बिल्कुल मिडिल क्लास में हम रखेंगे उसी हिसाब से आप तुमको रहना पड़ेगा ऐसे ही है तो और जब उसी लड़के का फिर शादी हो जाता है ससुराल में आती है तो वही लड़की यहाँ पे भी सबका परमिशन से ही मायके जाना होता है तो परमिशन लेकर ही जाना है कभी मन करा कि हम अपने मम्मी से मिलने जाए तो बड़ी मम्मी का तुम्हारा याद आता है बड़ी मम्मी के पास जाने का मन करता है तुम लोगों को ऐसे ही वही लड़की जो समझो तो मायके में उतना काम नहीं कर पाती है वो ससुराल में आकर सारा काम करना पड़ता है ताकि कोई उंगली ना उठाए गलती से कोई अगर आप गलती कर भी देते हो तो ससुराल तो वाले रिश्तेदार सब सब के सब उंगली उठाने लग जाते हैं भूल से भी अगर आप कोई गलती कर देते हो तो वो भी लड़की कि उसकी बेटी फलाने की बेटी ये करी फलाने की बहू वो करी हमारी बहू ऐसी है वैसी है जाने कितने सारे लोग कमेंट्स करते हैं बहुत उल्टा पुल्टा लोग बोलते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो लड़की होना ही तो है फिर वही लड़की ससुराल के बाद उसका अगर बच्चा होता है किसी को चांस वो बच्चा नमस्ते ना करे तभी भी माँ को ही मिलता है सुनने को अच्छे से ना पढ़े तभी भी माँ को ही मिलता है सुनने को कि इसकी माँ कुछ संस्कार ही नहीं दी है कुछ संस्कार ही नहीं मतलब है उसके अंदर ना पढ़ाती है ना ही टाइम देती है अरे आप लोग जानते हो कि हम टाइम नहीं देते हम बच्चे को संस्कार नहीं देते ऐसे ही होता है अगर वही बच्चा उस लड़की का बच्चा अगर कुछ कर देता है चांस वो भी तो है ही इसकी माँ ऐसे सिखाई है तो ऐसा बच्चा कर रहा है ऐसे ही लोग बोलते हैं तो गाइस सच में लड़की होना एक तरह से देखा जाए तो गुनाह ही है भगवान लड़कियों को इतना दर्द क्यों दिया बचपन से लेकर देखा जाए तो बुढ़ापे तक ही लड़कियाँ को बहुत सारे दुख झेलना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आदमियों को दुख झेलना नहीं पड़ता उन लोगों को भी पड़ता है उन लोगों को भी पड़ता है लेकिन उन लोगों में ये रहता है ना कि किसी का परमिशन का जरूरत नहीं पड़ता है वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी जा सकते हैं आ सकते हैं लड़कियों की तरह नहीं है लड़कियों को यह है कि पूछकर ही जाना है पहले माँ बाप से पूछो भाई बहन से पूछो फिर शादी के बाद पति से पूछो सास ससुर से पूछो बाई चांस घर में ननद है तो उन लोगों से भी पूछो अगर कुछ आप कुछ कर भी रहे हो अपने खुशी के लिए तो उन लोगों में भी उन लोगों को दिक्कत होता है कि ये क्यों कर रही है ऐसे क्यों कर रही है तो ऐसे ही गाइस सबकी बातों का मतलब थोड़ा सा आज मुझे कुछ बात याद आ गई थी तो थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए मैं सोची कि ब्लॉग बना लूँ आप लोगों के साथ कुछ बातें कर लूँ शेयर कर लूँ क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा हुआ है ना कि किसी से मैं बात भी करने जाती हूँ तो कहते हैं लोग ससुराल वाले की चुगली करती है बातें करती है ऐसे वैसे बहुत कुछ तो सोच इसीलिए मैं अब एक सोशल मीडिया पे अपना पहचान बना रही हूँ जैसे मन वैसे आता है वीडियो बना लेती हूँ ब्लॉग भी बनाती हूँ ब्लॉग में उतना अच्छा से एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ उसके लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ आप लोगों से क्योंकि मेरे को उतना नहीं आता एडिटिंग करना और कोई है भी नहीं जिसे मैं एडिटिंग करा सकूँ तो यही है गाइस अपने मतलब एक तरह से देखा जाए तो एक सोशल मीडिया पे अपने आप लोगों को ही सब्सक्राइबर्स लोगों को ही मैं अपना फ़ैमिली मान चुकी हूँ और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको भी अपना फ़ैमिली मानती हूँ तो आप लोगों से बस इतना ही है कि कौन कौन लड़की सब ऐसे स्ट्रगल कर रही है कमेंट्स में बताइएगा गाइस कि क्या सच में लड़की होना गुनाह है मेरा मानना है तो यही है कि लड़की होना गुना ही है और कहीं ना कहीं आदमी लोग भी बेचारा अपनी जगह सही है क्योंकि उनको भी शादी के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बीबी का सुने तो माँ बाप को दिक्कत माँ बाप की सुने तो बीबी को दिक्कत तो भी बेचारा दो क्या बोलते हैं दो नावों के बीच रह जाते हैं दो नावों पर जैसे पैर नहीं रहते इसपे भी मेरे को पैर रखना है उस पर भी रखना है एक पे किसी पे आ गए तो एक नैया डूब जाएगी तो वही है अगर बीवी का सुनेंगे तो माँ बाप बिल्कुल नाराज हो जाएंगे और माँ बाप का सुनेंगे तो बीवी बिल्कुल ही छोड़ देगी कि माँ बाप का ही सुनते हैं ये है वो है तो कहीं कही ना कहीं देखा जाए तो वो भी बेचारा अपनी जगह सही होते हैं लेकिन एक गलत चीज है लड़कियों को भगवान मतलब भगवान क्या ये पब्लिक ही बना रखा है भगवान क्या बना है भगवान तो बस दुनिया में भेजने वाले हैं आपको क्या बोलते हैं धरती पे क्या खाना है क्या कितना मिल सकता है आपको नसीब में वो भगवान ही देते हैं अपने से कोई नसीब पाता नहीं है भगवान ही नसीब नसीब में डालते हैं बस यहाँ पे है जो पब्लिक ही मतलब फैमिली वाले पब्लिक यही सब यहाँ धरती पे ही उन लोगों का मतलब ऐसा कुछ कानून बना दिया है भगवान नहीं कहते हैं कि जाओ उसको ये बोलो उसको बोलो भगवान ऐसा कुछ नहीं कहते भगवान का बस काम था धरती पे भेजना हमें भेजे कुछ दिन के लिए एक तरह से ये धरती प्रदेश है जो आओ इंजॉय करो जितना दिन का ज़िंदगी है इंजॉय करो फिर उस वापस उन्हीं के पास फिर चले जाओ इतना सा ही ज़िंदगी में कोई अपने आप को ना जीता है ना दूसरे को जीने देता है तो आप लोगों से बस इतना ही उम्मीद है गाइस कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स करना ना भूले और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा बाय बाय